गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा ड्राइंग में कैलीग्राफी लाइन। तो कैलीग्राफी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं एक स्क्वायर के अंदर दिखा रहा हूँ। तो पहले स्केल से एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर कैसे बनाना है ये भी मैं तुम्हें डेमो दिखा रहा हूँ। देखो, यहीं भी मैंने छोटा सा स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर बना दिया है स्केल से। आपको सिर्फ स्क्वायर बनाने के लिए ही स्केल का उपयोग कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड ही लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो स्लिपिंग लाइन जो है वो विदाउट स्केल से ही बनानी है। तो पहला एक नंबर ये लाइन, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी है विदाउट स्केल से। ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे विदाउट स्केल से ही ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तुम्हें भी स्केल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही हमारे हाथ पे कैसे कंट्रोल आता है वो हमें सीखना है। तो ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे स्क्वायर में ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। मैं तुम्हें एक डेमो ही दिखा रहा हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पूरे के पूरे स्क्वायर में ऐसा एक लाइन ड्रॉ करके पूरा ब्लॉक लाइन से भर देना है। ऐसे देखते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा बनाया है। तो ऊपर से नीचे तक वन बाय वन लाइन ड्रॉ करते जाओ और पूरे के नीचे तक स्केल के बिना लाइन ड्रॉ करनी है। यहीं तक जो पूरा स्क्वायर में ही लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसी जो ऊपर मैंने जो बताया, ऐसे ही तुम्हें एक दूसरा ब्लॉक बना के यानी कि स्क्वायर बना के यहीं भी तुम्हें ये ड्रॉ करना है। दूसरा नंबर है जिगजैग लाइन है। देखिए, तो जिगजैग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके पहले हम स्केल से एक दूसरा स्क्वायर बनाते हैं। तो यहीं भी जब पहले जो स्क्वायर बनाया है वैसे ही एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे पास में ही। देखो, ये मैंने दूसरा स्क्वायर बना दिया है और मैं उसमें जिगजैग लाइन ड्रॉ करूंगा, वो भी विदाउट स्केल से ही। सिर्फ स्केल का उपयोग हम स्क्वायर बनाने के लिए ही करेंगे और उसके अंदर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो फ्री हैंड से ही करेंगे। ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते जाएंगे वन बाय वन। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे ही एक माउंटेन की तरफ हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और हमारा जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के अंदर जिगजैग लाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है, ऐसे लाइन तुम्हें भी बनानी है, वो भी विदाउट स्केल से ही। तो मैंने ये 4 या 5 लाइन जो ड्रॉ की है ऐसे कैसे ऊपर से नीचे तक, नीचे आके यहीं तक ये जो ब्लॉक बनाया है ये ब्लॉक तक जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे तुम्हें यहीं पे यानी कि दूसरा जो स्क्वायर है वहीं पे लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड वाला मैं दिखाऊंगा, उसमें सर्कल बनाना है। तो वो भी कैसे सर्कल ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। उसमें एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, वो भी हम स्केल के लिए बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर तो मैंने बना दिया है, उसमें हम कैसे सेंट्रल लाइन चूज करेंगे। तो सेंट्रल लाइन के लिए हम एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक ये एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे और एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक हम ये दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा ये सेंटर पॉइंट यहीं पे मिल गया है। ठीक है,
ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट से हम सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल वो भी विदाउट डिवाइडर से, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए हमें डिवाइडर चाहिए, लेकिन यहीं पे कैलीग्राफी में डिवाइडर हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैलीग्राफी में कोई भी जियोमेट्रिकल का उपयोग हम नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो आता है हम फ्री हैंड से ही बनाते जाएंगे, ऐसे वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे और मेरा जो सर्कल है ये बड़ा होना चाहिए, बढ़ते जाएंगे। ऐसे मैंने जो सर्कल बनाया है तो मैंने फर्स्ट वाला स्केपिंग लाइन बनाई है, दूसरे में जिगजैग लाइन बनाई है, थर्ड में जो मैंने सर्कल जो बनाते जाए ये पॉइंट से जो सेंट्रल लाइन से वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे सर्कल बनाया है मैंने। ऐसे ही सर्कल तुम्हें स्केल के बिना यानी कि डिवाइडर के बिना ये स्क्वायर बनाना है और ये सर्कल यहीं पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने जो ये तीन स्टेप जो बताया है कि वन बाय वन कैसे ड्रॉ करना है विदाउट स्केल से और पेंसिल की मदद से तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है, आप चाहे तो स्केच पेन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।